प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एम्प्लॉयड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू रूट 3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखिए सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इट मींस एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस है 2, और ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू रूट 3y। इसके लिए क्या बताया था मैंने कि यदि x इज इक्वल टू y है या y इज इक्वल टू x है तो वो कहाँ से पास होगी लाइन, आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से। ड्रॉ ए सर्कल, ये सर्कल है और इसका सेंटर क्या हो गया आपका 0, 0, ये होगी y एक्सिस, y डैश, x एंड h डैश, और ये लाइन कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, ये होगी x इज इक्वल टू रूट 3y। इसका सेंटर क्या हो गया 0, 0 और इसकी रेडियस क्या होगी 2, 0। ये लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी, ओ ए बी। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द इंटरसेप्शन बी। व्हाट इज गिवन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 एंड एक्स इज इक्वल टू रूट 3y इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट बी। हम इन्हें सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू रूट 3y इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, रूट 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इफ y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 से x इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 1 इज इक्वल टू रूट 3। b के कोऑर्डिनेट क्या होगी, रूट 3 1। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट हो गया आपका c, तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, रूट 3 0। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ का एरिया, ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो है ओ सी बी ए यानी कि ये ट्रायंगल है एंड सी ए बी सी इट इज द कर्व सर्कल। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और इस कर्व का एरिया दोनों को प्लस कर देंगे। उन्होंने कहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व ओ सी बी, ओ सी बी ओ प्लस एरिया ऑफ सी ए बी सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी। अब ओ सी बी, ये देखिए कर्व क्या है, लाइन, और इसमें कर्व क्या है, सर्कल, तो क्या एरिया होगा और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 to √3 और रूट 3 से लेकर 2 तक। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन से इसका एरिया क्या होगा, 0 to √3 y। y कौन सी इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है, तो y कहां से लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 dx प्लस √3 से 2 y फ्रॉम इक्वेशन 1 dx। फर्स्ट इक्वेशन से हमने y की वैल्यू रखी, कितना आ गया, ये
x upon root 3 dx plus root 3 से 2, यहां से y की इक्वेशन क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 4 माइनस x स्क्वायर dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू रूट 3। क्लियर। अब इसका क्या होगा, यहां पर आप ध्यान से देखिए फॉर्मूला यहां पर कौन सा लग रहा है, बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर मीन्स प्लस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू 2, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, रूट 3 से लेकर 2 तक की। अब हम इसकी लिमिट रख देंगे, 1 अपॉन रूट 3 ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 प्लस। अब हम पहले कौन सी रखेंगे, अपर लिमिट 2, तो ये जाएगा 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस रूट 3 रखेंगे तो आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 या 2 साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस ये कितना हो गया 0 प्लस 2 इंटू ये आपका हो गया 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ये कितना हो गया आपका 4 माइनस 3 1 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2 साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 क्या हो जाएगा पाई बाई 3, ये हो गया पाई बाई 3। रूट 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम इसमें तो कितना हो जाएगा ये रूट 3 अपॉन 2 प्लस इससे कैंसिल पाई माइनस रूट 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई 3। दिस इज कैंसिल मीन्स पाई माइनस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3 यूनिट स्क्वायर। प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 0 0, ये हो गया एक्स एक्स डैश ये वाई और ये वाई डैश इसका सेंटर क्या हो गया 0 0। ये कौन सी सर्कल की इक्वेशन है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है ए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा ए 0। उन्होंने कहा एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2, एक्स इज इक्वल टू रखा तो किसके पैरेलल होगा वो वाई के पैरेलल, ये लाइन आपकी यहां से जाएगी ये होगी आपकी एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2,
यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, और ये जो है आपका सिमेट्रिकल है, जो ये वाला एरिया है सेम यही एरिया है, ये पॉइंट हो गया हमारा ओ ए बी सी, ये क्या है एच इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ए अपॉन रूट टू जीरो। सर्कल की इक्वेशन क्या है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वेशन वन, और लाइन की इक्वेशन क्या है एच इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या, उन्होंने बोला स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट कौन सा हो गया ये वाला पोर्शन स्मॉलर है, ये बिग पार्ट है। कैसे पता लगा कि ये स्मॉलर है, देखिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी ए, इसका हाफ कितना होगा ए अपॉन टू, देखिए ये पॉइंट कितना निकल के आ रहा ए अपॉन रूट टू इन टू रूट टू अपॉन रूट टू, कितना हो जाएगा ए रूट टू अपॉन टू, देखिए ए अपॉन टू क्या हो गया हाफ, और उसमें रूट टू से मल्टीप्लाई हो रहा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपका बड़ा हो गया, तो कितना हो गया ये रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू टू इंटू एरिया ऑफ ए बी सी ए, ए बी सी ए का एरिया, ए बी सी का एरिया जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो इसका एरिया क्या होगा टू इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन रूट टू से लेकर ए तक, ए अपॉन रूट टू से लेकर ए तक वाई फ्रॉम इक्वेशन वन डी एक्स टू ए अपॉन रूट टू ए, यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डी एक्स, कौन सा फॉर्मूला लगा बाई इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डी एक्स एच अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एच अपॉन ए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एच इक्वल टू टू, कितना हो गया एच अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसकी लिमिट हो जाएगी ए अपॉन रूट टू से लेकर ए तक, ये इसकी लिमिट होगी। अब यहां पर लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा ए अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए, हमने पहले अपर लिमिट रखी, अब लोअर लिमिट माइनस ए अपॉन रूट टू अपॉन टू, एच की वैल्यू रखी हमने यहां पर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन रूट टू अपॉन ए, ये जीरो प्लस वन ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई बाई टू माइनस ये आ जाएगा ए अपॉन टू रूट टू, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर। नाउ प्लस इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू मीन्स टू पाई ए स्क्वायर अपॉन फोर, माइनस ये कितना हो गया ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू
root 2 की मल्टीप्लाई प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 4 means ये है हमारा a स्क्वायर अपॉन 4 तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई a स्क्वायर अपॉन 8 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे या पूरी इक्वेशन में 1 by 8 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 2 अपॉन 8 या आ जाएगा 2 पाई a स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर मींस 1 by 4 ये कितना हो गया 1 by 4 ये माइनस की मल्टीप्लाई करके यहां पर माइनस हो गया ये आपका माइनस और ये माइनस तो कितना आ जाएगा ये पाई a स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर इसमें से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई पाई माइनस 2 यूनिट स्क्वायर दैट इज योर आंसर प्लीज मेक इट अप नाउ सॉल्यूशन नंबर 8 द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू y स्क्वायर ये किसकी इक्वेशन होगी पैराबोला एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इज इक्वल टू a फाइंड द वैल्यू ऑफ a ये किसकी इक्वेशन है आपकी ये है पैराबोला की इक्वेशन ये क्या इक्वेशन बनी ये इक्वेशन ये हो गया x एक्सिस x डैश और इट इज y एंड y डैश ये पॉइंट हो गया 0 0 इन्होंने कहा x इज इक्वल टू 4 ये हो गया ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 और ये डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट में डिवाइड की जा रही है x इज इक्वल टू a से इट मींस ये जो एरिया है मींस ये जो एरिया है ये एरिया इसके इक्वल है तो क्या करेंगे अब हम मींस ओ ए बी सी डी एरिया ऑफ जो ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है ये क्या है लाइन एच इज इक्वल टू ए तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे ए जीरो और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे फोर जीरो ये क्या दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच इक्वेशन नंबर वन और लाइन कौन कौन सी इक्वेशन होगी एच इज इक्वल टू फोर and h is equal to a. It is given that क्या given है इसमें कि area of OADO is equal to area of ABCD. ABCD के area के equal है. What is area? इसका area हो जाएगा 0 to a. कर्व कौन सा है आपका पैराबोला तो पैराबोला y फ्रॉम इक्वेशन 1 dx इज इक्वल टू a टू 4 y फ्रॉम इक्वेशन 1 dx 0 टू a y की वैल्यू हो जाएगी रूट x dx इज इक्वल टू a टू 4 रूट x dx इसका इंटीग्रेशन होगा h की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 और लिमिट हो जाएगी 0 टू a इज इक्वल टू इसका भी इंटीग्रेशन h की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 a टू 4 नाउ कितना हो जाएगा ये
2 upon 3 x to power 3 upon 2 0 to 8 2 upon 3 x to power 3 upon 2 a to 4 ये कैंसिल हो जाएगा a to the power 3 upon 2 is equal to 4 की पावर 3 upon 2 minus a की पावर 3 upon 2 इसको हम इधर ले आएंगे 2 a to the power 3 upon 2 is equal to 4 की पावर 3 upon 2 क्या लिख सकते हैं इसे ये हो जाएगा 2 into root 2 2 a to the power 3 upon 2 ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर 3 की पावर 1 by 2 means 64 की पावर means ये हो जाएगा 2 a to the power 3 upon 2 is equal to 8 2 से कैंसिल 4 a is equal to 4 की पावर 2 upon 3 that is your answer please make it up now solution number 9 यहाँ पर गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू h स्क्वायर y इज इक्वल टू h स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड h ये किसकी इक्वेशन है ये है आपकी पैराबोला की इक्वेशन और ये क्या है लाइन की इक्वेशन मॉडुलस ऑफ ए लाइन इसकी शेप क्या बनेगी दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला It is y, y dash, x and x dash. Y is equal to x square and y is equal to mod x. Means y is equal to x or y is equal to minus x. If x is greater than 0 or x is less than 0. ये लाइन कहां से जाएगी? वी शेप बनेगी यहां से ओरिजिन से और दूसरी वी शेप ये बन गई यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना सेम है ये आपका सेम है जो पोर्शन इधर बन रहा है वही पोर्शन इधर बन रहा है हम इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे इसका डबल कर देंगे ओ ए B, C and D. हम क्या करेंगे? O, A, B, D, O में से हम O, A, B, C, O का एरिया घटा देंगे। यानी कि लाइन जो कर्व है, इस वाले कर्व के एरिया में से इस पैराबोला का एरिया घटा देंगे और उसका डबल कर देंगे। It is equation. 2 it is equation 3 जो शेप फिगर उधर बनेगी वो इधर बनेगी from equation 1 and 2 से y की वैल्यू यहां पुट कर दें h is equal to h square that means h square minus h is equal to 0 that means h common ले लिया h minus 1 is equal to 0 h की वैल्यू 0 आ गई और h की वैल्यू 1 आ गई ये फॉर्म क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा माइनस वन जीरो और ये कितना हो गया जीरो जीरो तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू टू इनटू एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ ओ ए बी डी ओ O A B D O minus area of O A B C O O A B C O का एरिया है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2
इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट दोनों की सेम है जीरो टू वन वाई वाई फ्रॉम इक्वेशन टू, यहां से वाई की वैल्यू रखेंगे माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन वन डीएच, ये लाइन की इक्वेशन है, इसमें से हम पैराबोला की इक्वेशन को घटा देंगे। टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एच माइनस एच स्क्वायर डीएच, इसे हम सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एच स्क्वायर अपॉन टू माइनस एच की पावर थ्री अपॉन थ्री जीरो टू वन मीन्स टू वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री माइनस जीरो टू एलसीएम सिक्स थ्री माइनस टू मीन्स टू इंटू वन बाई सिक्स थ्री वन बाई थ्री यूनिट स्क्वायर, प्लीज मेक इट अप। नाउ आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट what I have told you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.